ये वीडियो चैप्टर 10 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिनमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शामिल हैं। हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा था कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ को नेकेड आई से देखते हैं तो वो चीज़ हमारी आँख पे एक एंगल प्रोजेक्ट करती है जिसको हमने अल्फा कह दिया, और फिर हम उसी चीज़ को एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से देखते हैं, बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और फिर उस चीज़ को देखते हैं, तो अब इमेज जो हमारी आँख के ऊपर एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है इसको हमने बीटा कह दिया। मैग्नीफाइंग पावर, इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, रेशो होती है जो एंगल इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय जो एंगल ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करी थी। अब हम इन दो केसेस को कंसिडर करते हैं। पहले केस को मैं ए कह देती हूँ, दूसरे केस को मैं बी कह देती हूँ। ए में क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डी, जो मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, उस पर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब मैं किसी चीज़ को अपनी आँख के करीब लेके आती हूँ तो वो बड़ी होती जाती है और इस डिस्टेंस के बाद वो चीज़ ब्लर होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो मैं उस चीज़ को जितना बड़ा देख सकती हूँ वो इस डिस्टेंस के ऊपर होगा, डिस्टेंस डी के ऊपर। तो मैंने इसको डिस्टेंस डी के ऊपर रखा हुआ है। मगर जब मैं कॉन्वेक्स लेंस रख देती हूँ बीच में तो मैं ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डी से भी ज़्यादा करीब ला सकती हूँ, क्योंकि मैं अब ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही, मैं उसके इमेज को देख रही हूँ, मगर उसका इमेज मैं 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आगे नहीं ला सकती। मैं इस ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब करूँगी तो इसका इमेज बड़ा होता जाएगा, मगर डी के ऊपर जो डिस्टेंस डी है 25 सेंटीमीटर, उससे आगे जब मेरा इमेज आएगा तो वो ब्लर हो जाएगा। इसलिए फिर मैं इमेज को 25 सेंटीमीटर पर रहने देती हूँ। अब इमेज से लेके आँख तक का जो मेरा डिस्टेंस है, जिसको हम लेंस कन्वेंशन में क्यू कहते हैं, क्यू 25 है, और जो ऑब्जेक्ट मैंने सेकेंड केस में रखी हुई है, ऑब्जेक्ट से लेके आँख तक का डिस्टेंस जिसको लेंस की कन्वेंशन में पी कहते हैं, वो मेरे पास पी है, हमें नहीं पता कि कितना है। अब हम लेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए। लेंस इक्वेशन मेट्रिक के कोर्स में डिराइव की जाती है, अभी हम इसको डिराइव नहीं करें। थिन लेंस की इक्वेशन हम एज इट इज़ यूज़ करें, जो कि 1 ओवर फोकल लेंथ, जो लेंस की फोकल लेंथ है, प्लस 1 ओवर क्यू, जो इमेज का डिस्टेंस है आँख से, इज इक्वल टू 1 ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये लेंस इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इन एंगल की वैल्यू देखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं तो ये अपने टेंजेंट्स के बराबर हैं। बीटा, टेंजेंट ऑफ बीटा, और अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर है। जो एंगल्स छोटे होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने टेंजेंट के बराबर होते हैं। इनके टेंजेंट्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर ओवर बेस। बीटा के केस में परपेंडिकुलर इमेज की हाइट है और बेस क्या है? डी। तो हम लिखते हैं आई ओवर डी डिवाइडेड बाय टैन ऑफ अल्फा। टैन ऑफ अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो कि दोनों केसेस में सेम है। तो डी डी से कट जाएगा, हमारे पास आई ओवर ओ आ जाएगा। अब हम गौर से देखना चाहते हैं एक चीज़ कि आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें। ये जो सेकेंड वाली ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास एक इमेज की हाइट है और एक ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट वही वाला ऑब्जेक्ट है जो ये वाला ऑब्जेक्ट था। अब हमने इसको आँख के करीब रखा है मगर इसकी हाइट वही रहेगी, तो इसकी हाइट ओ है। ज्योमेट्री में अगर एक ट्राइंगल में यूं हम दो लाइंस खींचते हैं, एक इधर और एक इधर, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लेंस होती हैं वो भी प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी मेरे पास अगर मैं आई ओवर ओ लिखती हूँ तो ये बराबर होगा, आई के कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, उसको हम कहते हैं क्यू, डिवाइडेड बाय ओ के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है, ओ से आगे पी। तो अब मेरी मैग्नीफिकेशन Q ओवर P के बराबर हो गई। अब मैं लेंस इक्वेशन से Q ओवर P की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगी। मेरे पास 1 ओवर Q है, अगर मैं इस पूरी 1 ओवर P है सॉरी यहाँ पर, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे Q ओवर P आ जाएगा, जो कि मेरी मैग्नीफिकेशन है। तो मैं इसको Q से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या होता है, Q ओवर P मेरे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन, और Q ओवर Q कट के 1 हो जाएगा। यानी मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन बराबर है 1 प्लस Q ओवर F के। ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन की इक्वेशन आ गई। Q हमें पता है कि इस केस में हमने Q D के बराबर रखा था, इमेज का जो डिस्टेंस है आँख से, तो मैं इसको 1 प्लस D ओवर F भी कह सकती हूँ। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के केस में 25 होता है, इसलिए मैं इसको 1 प्लस 25 सेंटीमीटर ओवर फोकल लेंथ लिख सकती हूँ। ये मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई सिंपल माइक्रोस्कोप की।
An ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. यानी एक लेंस है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, जिसको हम पी कहते हैं, 15 सेंटीमीटर, और इसका इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर के ऊपर, जिसको हम क्यू कहते हैं. अब हमने इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है. हम डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f = 1/p - 1/q. पी और क्यू की वैल्यू पुट करें, 15 - 1/30, तो मेरे पास आंसर 1/30 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज के एफ बराबर है 30 सेंटीमीटर के. अब मैं ऑप्शंस देखती हूँ मेरे पास क्या है. ए ऑप्शन में 10+ का मतलब है ग्रेटर देन 10, तो मेरा 30 ग्रेटर देन 10 है, इसलिए ये ऑप्शन हो सकता है, इसको मैं कंसिडर करती हूँ. बी में दिया हुआ है +15, जिसका मतलब है फोकल लेंथ पॉजिटिव 15 है, पॉजिटिव 20 या पॉजिटिव 25. इनमें से कोई भी मेरा आंसर नहीं आया, मेरा आंसर 30 है, जो टेक्निकली 10 से बड़ा है, इसलिए मैं ऑप्शन ए सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा. अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग देखना चाहते हैं और उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक आईपीस होता है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इस क्योंकि ये हमारी आंख के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, और इसके सामने एक और लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, क्योंकि ये इसके सामने ऑब्जेक्ट पड़ी होती है. ये हमारी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच है. ऑब्जेक्टिव लेंस से जब हम एच वन हाइट के ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो इसका एक इमेज बनता है इन्वर्टेड, जिसकी हाइट एच वन होती है, जो यहाँ होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनता है वो आईपीस वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और आईपीस इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाती है जो मैग्नीफाइड होता है कई गुना, और इसकी हाइट होती है एच टू. अब हम मैग्निफिकेशन टोटल माइक्रोस्कोप की फाइंड करना चाहते हैं, तो वो क्या होती है कि हमारा फाइनल इमेज आंख के ऊपर जो एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है वो ये है थीटा ई. फाइनल इमेज हमारा एच टू हाइट है उसकी. इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर मेरी नेकेड आई इसी हाइट की ऑब्जेक्ट को देख रही होती, अगर वो लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट के ऊपर पड़ी होती, तो वो जो एंगल प्रोजेक्ट कर रही थी, इसको मैं थीटा ओ कह देती हूँ. इन दोनों के जब हम रेशियो लेते हैं तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाती है. हम अज्यूम करते हैं कि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं, तो हम इनका टेंजेंट भी ले सकते हैं, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो ऑब्जेक्ट का टेंजेंट हम इस ट्राइंगल में से लेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस एच ओवर डी, और दूसरा वाला आई पीस का हम इस वाली ट्राइंगल में से लेंगे, ये जो ट्राइंगल है बड़ी वाली, इसका क्या बनेगा एच टू, और ये वाला डिस्टेंस भी डी है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो हम फाइनल इमेज देख रहे हैं वो हमारे नियर पॉइंट के ऊपर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम किसी चीज़ की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देख सकते हैं, इससे आगे हमारी आंख उसको ब्लर कर देती है. तो एच टू ओवर डी हो जाएगा ये, तो मेरे पास फाइनल मैग्निफिकेशन आएगी एच टू ओवर एच. मगर ये फाइनल मैग्निफिकेशन है, मगर मुझे एच टू ओवर एच नहीं पता, मुझे मेरे पास दो लेंजेज हैं, मुझे उनकी इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन पता है. उनकी इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन मैं देखती हूँ कि क्या होती हैं. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस देखते हैं, साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी मैग्निफिकेशन होगी. साइज ऑफ द इमेज, इसके लिए इमेज क्या है एच वन ओवर एच, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन हो गई. मल्टीप्लाई किया जो मेरा आई पीस है उसकी मैग्निफिकेशन, आई पीस की इमेज क्या है एच टू, डिवाइडेड बाय इसका ऑब्जेक्ट क्या है एच वन. तो ये वाली मैग्निफिकेशन ऊपर वाली मैग्निफिकेशन के असल में बराबर है, एच वन दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, मगर इससे मैंने स्प्लिट कर लिया दोनों की मैग्निफिकेशन को. अब मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को एम ऑब्जेक्टिव कह सकती हूँ, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ आई पीस की मैग्निफिकेशन, जिसको मैं एम आई कह सकती हूँ. ये किन के बराबर होंगी, आई पीस की मैग्निफिकेशन, इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस हमने पिछली स्लाइड में स्टडी किया, इसकी मैग्निफिकेशन होती है 1+d ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. और ऑब्जेक्टिव लेंस की हम सिंपली इस तरह लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं पी, और लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्यू कह देते हैं. तो हमारे पास जेनेरिक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए है, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. तो ये मेरे पास टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाता है. Convex lens and a concave lens of the same material and of focal length 5 cm and 10 cm respectively are used to form a compound lens. Combination will behave like a. Two lenses hain hamare paas, convex lens ki focal length 5 cm hai aur concave lens ki focal length 10 cm hai.
हमें मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ का एक रिलेशनशिप पता है कि 1 प्लस डी ओवर एफ होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी फोकल लेंथ कम होती है उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होती है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम है तो इसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी. तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होने का ये भी मतलब है कि वो लेंस ज़्यादा थिक होता है या उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होती है. यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस से ज़्यादा पावरफुल है. अगर इन दोनों लेंसेज को मैं साथ साथ रखूँ, इन दोनों को मिला के मैं एक कंपाउंड लेंस बनाऊँ, तो इनमें से जो रेज गुजरेंगी वो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी. इंडिविजुअली कॉन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज कर देता है और कॉन्केव डाइवर्ज कर देता है. तो जब कॉन्वेक्स में से गुजरेंगी वो उनको डाइवर्ज करेगा, मगर फिर कॉन्केव में से गुजरेंगी तो वो सॉरी कॉन्वेक्स में यस सॉरी कॉन्केव में से गुजरेंगी तो वो उनको डाइवर्ज कर देगा, मगर चूंकि मेरा कॉन्वेक्स ज़्यादा पावरफुल है तो डाइवर्ज का असर कम होगा. तो एट द एंड नेट इफेक्ट जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस का होगा. तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों लेंस मिलकर कन्वर्जिंग लेंस के तौर पर एक्ट करेंगे. अगर ये ग्लास स्लैब की तौर पर एक्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे का असर बिल्कुल इक्वल कैंसिल करें अगर इन दोनों की फोकल लेंथ सेम होती तो फिर वो ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. डाइवर्जिंग लेंस, अगर डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस की पावर ज़्यादा होती तो फिर ये डाइवर्जिंग लेंस करते. नन ऑफ दीज नहीं है, इनमें से एक हमारे लिए एप्लीकेबल है. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20 और मैग्निफिकेशन बाय आई पीस इज -11. देन द टोटल मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन दोनों का मल्टीप्लाई होता है. आई पीस जो मैग्नीफाई करता है मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस जो मल्टीप्लाई करता है. तो आई पीस -11 कर रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस 20 कर रहा है, मेरे पास -20 टोटल मैग्निफिकेशन होगी. -220 11 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास -220 का ऑप्शन ए है. बाकी के सब ऑप्शंस गलत हैं. ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें सिर्फ ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप साइन ना करें क्योंकि 220 जो है वो आंसर ठीक है, मगर हमें साइन का ख्याल रखना है. माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा एट द एंड. अब हम एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग और उसकी मैग्निफिकेशन देखते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में होते हैं, और इसमें भी जो आँख के सामने लेंस होता है उसको आई पीस कहते हैं, और जो जिस लेंस से हम ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. इस केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है और ये बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं जैसे कि आसमान पे मौजूद सितारे. जब इन सितारों से आने वाली रेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर पैरेलल पड़ती हैं तो ये लेंस उनका एक इमेज बनाता है अपने फोकल पॉइंट के ऊपर, यानी ये इसकी फोकल लेंथ है इस लेंस की. और ये इमेज हम रखते हैं आई पीस के फोकल लेंथ के ऊपर ताकि उसको वो कन्वर्ज करके एक इमेज बनाए. यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाला जो इमेज है जो हमें ग्रीन एरो से नजर आ रहा है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होता है और आई पीस इसका एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो हमें लगता है कि इन्फिनिटी से आ रहा है और हमारी आंख फिर एक वर्चुअल इमेज देखती है. अब अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन के लिए हम जो हमारा फाइनल इमेज आंख के ऊपर एंगल प्रोजेक्ट कर रहा होता है वो देखते हैं, जो कि हमारे केस में बीटा है. ये वाला जो एरो है ये हमारा फाइनल इमेज का भी यही एंगल होगा, जो हमारा वर्चुअल इमेज है वो एंगल बीटा बना रहा है आंख के ऊपर, डिवाइडेड बाय हमारी नेकेड आई के ऊपर क्या एंगल प्रोजेक्ट करेगा. इस आंख को उठा के अगर मैं इधर रख दूं तो ये जो एंगल है अल्फा यही मेरा एंगल नेकेड आई के ऊपर है. ये एंगल्स हम अज्यूम करते हैं कि इतने छोटे हैं कि हम इनको इनका टेंजेंट ले सकते हैं. टेंजेंट ऑफ बीटा लिया, टेंजेंट ऑफ अल्फा लिया. टेंजेंट ऑफ बीटा मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, ये वाली ट्राइंगल मैं पहले कंसिडर करूंगी. इस ऑब्जेक्ट की हाइट मैं कहती हूँ कि ए बी है तो टेंजेंट ऑफ बीटा परपेंडिकुलर यानी ए बी डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ जो फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस है डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा हम किस तरह लेंगे कि ये जो अल्फा था अब मैं ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करूंगी, जो एंगल ये था वही एंगल ये है और इसका परपेंडिकुलर ए बी है डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो मेरे पास एफ ओ ओवर एफ ई जो है वो मैग्निफिकेशन आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की. इस स्लाइड का मकसद है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंपैरिजन करके देखें इनमें क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप और
एस्ट्रोनॉमिकल, दोनों में दो दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, एक आईपीस है जो आंख के सामने है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके सामने हमारी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्क ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्निफिकेशन के, जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हम छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करे होते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस छोटी फोकल लेंथ कर लेते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है एक छोटी चीज़ को। तो हम इसके फिर फोकल लेंथ से बाहर चीज़ को रखते हैं और हमें इसका एक इन्वर्टेड इमेज मिल जाता है। ये जो इमेज होता है ये कई गुना मैग्नीफाइड होता है, और फिर दूसरा जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पहले की बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। उसका मकसद ये होता है कि ये जो हमारे पास इमेज आया है इसी को वो हमें थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए। तो ये हमें फिर हम इसकी फोकल लेंथ से बाहर रखते हैं चीज़ को और हमारा उसी की साइड पे इमेज दूसरा बन जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसके ऑपोजिट हो रहा होता है। इसमें हमने देखा कि मेन मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का रहा होता है। अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, और उसका मकसद ये होता है कि जो जिस चीज़ को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार या जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, उससे जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनमें से ज़्यादा रेज या लाइट कैप्चर करें और हमें एक इमेज बना के दे। तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी मैग्निफिकेशन इसका मेन मकसद नहीं होता। इसका मेन मकसद होता है हमें एक अच्छी तस्वीर खींच के दे। फिर जब हमारे पास ये इमेज आ जाता है तो हमारा जो आई पीस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, और मेन मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप में आईपीस करा होता है ये इस इमेज को लेता है एज ऑब्जेक्ट और फिर इसको हमें कई गुना मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है।